हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप किसी टैक्स के अंदर वीडियो डाल सकते हैं। जैसे आप कोई टैक्स आपके पास है और उसके अंदर आपको वीडियो चलता हुआ दिखे, तो ये मैं आपको बताता हूं ये कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले फिल्मोरा ओपन करता हूँ। ये मैंने फिल्मोरा ओपन किया और मैं इसमें टाइटल्स में जाके मैं ये वाला फॉन्ट चूज़ कर रहा हूं। और इसमें आप देखिए, जो इसको मैं हटा के यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ जिसके अंदर मुझे वीडियो चलाना है जो सब। तो जैसे मैं इसमें डिस्कवर मैंने इसमें लिख दिया और मैं इसको उसका मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ जो ये साफ साफ दिखे। अब देखिए मैं इसको 200 में से कर देता हूँ, 200 में किया तो अभी देखिए पूरी स्क्रीन में ये आ गया है। इसके बाद में एडवांस में जाके एनिमेशन में जाने के बाद देखिए इसमें डिफरेंट एनिमेशन है कैसा आपको चाहिए। तो मैं इसमें देखिए, अब मैं इसमें ये रैंडम है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी जो ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ नो एनिमेशन। मैं नो एनिमेशन लिया और ओके कर दिया। अभी देखिए अभी कैसा आएगा ये आप देखिए कैसा इशू करेगा। अब जैसे मैं इसे प्ले करता हूँ वीडियो को, ये देखिए ये ऐसा शो करेगा आपको और इसके अंदर आपको वीडियो दिखेगा जो आपका DIS दिखाया है, इन सबके अंदर आपको वीडियो दिखेगा। ये देखिए पहले जो ये फाइल मैंने बना दी है इसको, इसमें आप एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा एक दिखाता हूँ, ये जैसे ये टाइप राइटर वाला है ये मैंने लिया, इसमें ओके करता हूँ तो अब देखिए कैसे शो करेगा। ये देखिए ये भी आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लग गया वो आप इसमें ले लीजिए। तो अभी मैं इसको नो एनिमेशन ही कर रहा हूँ। देखिए और मैं इसको एक्सपोर्ट में जाके मैं पहले इसको एक्सपोर्ट टू डिवाइस करके लोग डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ। डिस्कवर नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसको आप यहाँ से 30 FPS कर दीजिए और बेस्ट क्वालिटी में जाके सेव कर दीजिए। अब एक्सपोर्ट में कर रहा हूँ इसको। तो देखिए ये फ्रेंड्स फाइल जो हमने बनाई ये सेव हो गई है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब मैं मीडिया में जाता हूँ और जो वीडियो इसमें डालना है वो मैं इसमें इंपोर्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो उठाया ये CNN मैंने वीडियो उठाया, ये तो ये वीडियो मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं दोबारा इंपोर्ट करता हूँ और जो फाइल हमने भी बनाई है डिस्कवर करके ये भी मैं इसमें कर देता हूँ। अब ये देखिए मैं पुराने वाली फाइल हटा दी है, अब ये दो फाइल मेरे पास आ गई है। अब मैं देखिए पहले मैं डिस्कवर वाली फाइल को इसमें टाइमलाइन में डालूंगा। ये मैंने इसमें डाल दिया फर्स्ट और सेकंड मैं इसमें डाल देता हूँ। ये हो गया, अभी देखिए जो इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है मैं इसे काट देता हूँ। इस फाइल को मैं यहाँ से कट करके इसको डिलीट मार देता हूँ। अब इतनी बड़ी फाइल मुझे ये बनानी है तो देखिए मैं डबल क्लिक मैंने इसे किया और कंपोजिशन में जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद इसमें मल्टीप्लाई ये मैं कर देता हूँ। तो अब देखिए इसके अंदर आपको वीडियो दिखने लगेगा। अब इस जो हमने TIS है इसके अंदर पूरा एक वीडियो चल रहा है। इसको आप और भी बोल्ड कर सकते हैं, जो और ही फॉन्ट बड़ा हो जाएगा तो आपको और क्लियर इसमें दिखेगा। तो अब देखिए मैं इसमें कुछ और भी ऐड करता हूँ। जैसे मैंने इसको उठाया और मैं इसको दोबारा इसको मैंने उठा के मैं इसको दोबारा आगे डाल देता हूँ और बीच में देखिए तो अभी तक तो ऐसा रहा। अब मैं इसमें ट्रांजिशन में जाके यहाँ से मैं इसको एक कोई ट्रांजिशन ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये ट्रांजिशन इसमें मैं ले लेता हूँ और इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए ये प्ले किया मैंने तो ये देखिए इसके अंदर वीडियो चल रहा है और आगे देखिए यहाँ ट्रांजिशन चेंज होगा तो कैसा आएगा। तो ये देखिए जैसे ये चेंज हो जाएगा। तो अब इस फाइल की ये फाइल रेडी होगी और जो एक्स्ट्रा है मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, जितना मुझे चाहिए मैं उतना ले लेता हूँ और इसको एक्सपोर्ट करके मैं सेव कर देता हूँ।
तो ये देखिए फाइल रेडी हो गई है। अब मैं आपको ये फाइल एक बार चला कर दिखाता हूँ। देखिए देखिए आप इसके अंदर वीडियो चल रहा है जो आपने लिखा हुआ है, और ये देखिए ऐसे ट्रांजेक्शन इसमें हुआ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।